हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान आ यकीन आ कि असी जिहड़े पी टी आई दे यूथ दे मुंडे आ या पी टी आई दे वर्कर आ वह एक गुस्ताखी कर ही नहीं सकते। यह जो उन्होंने वाकया आ उन्होंने माल आ नून लीग दे ही बंदे उन्होंने प्रोवाइड किए उत्ते लोकी। लेकिन असं एक यह भी गल दसना चाहते हैं अगर तुम चोर न चोर कहो तो कोई गुनाह नहीं है, वह चोर है, वह शहबाज शरीफ चोर है तो वह चोर ही रहेगा। यह अमरीका ने मुसलत किया वा इन्हों इंशाला तला अस इन्हों नहीं मानते तो नहीं मनांगे इंशाला तला। वो कहते कह रहे हैं असि चोर नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। वो कह रहे हैं कि असी जेड़े आ चोर नहीं, सानू साबित करके विखाओ। तुसीं किवें साबित करदे सर? वो आन अदालतां दा सामना करन भगोड़े हो गए। नवाज शरीफ चोर नहीं तो भगोड़ा क्यों होया? अबर शेर अली चोर नहीं तो भगोड़ा क्यों होया? पाँच पाँच साल तो दस दस साल तो बाहर बैठे है। ये चोर होने की निशानी है, कोई खुशी ना अपना मुल्क नहीं छड़दा। ये चोर आते इन्होंने अपना मुल्क छड़िया। असी इंशाल्लाह ताला इन्हों इतने पाकिस्तान जो दो तिहाई अक्सरीयत ना खान साहब नूं लियावांगे ते इन्हां नूं पुठे लम्मिया भी पावांगे इंशाल्लाह। फैसलाबाद दे विच अली रहमानी इन्हां दा मुकाबला करेगा इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह भाई उन्हां दे जज्बात जिहड़े आ उह ते इंतहा गर्म आ। अगर इन्हां दे नाल मैं थोड़ी जी होर गलबात कीती ते कितें मेरे ते ना गर्म हो जाण। दूसरे भाई नाल गलबात करदे आ। भाई ने इह दसो तुसीं कि माशाल्लाह एड्डा सोहणा मैच कीता जे, इह कित्थों इन्ना तैयार हो गया? अलहमदुलिल्लाह असीं तैयार हो रहे आए हां। अलहमदुलिल्लाह असीं अपने लीडर वास्ते इमरान खान साहब वास्ते अपनी जान भी हाजिर करांगे इंशाल्लाह 15 मई नूं। इंशाल्लाह शाम 5 बजे इंशाल्लाह अभी धोबी घर ग्राउंड में आवेंगे अपने भाइयों के नाल, अपने एम पी ए के नाल, अपने दोस्तों बाद के नाल। इंशाल्लाह अकेला राणा सलाह उन्हें धमकी दे रहा वा सानू, राणा सलाह ला तेरी भुल ला अभी धोबी घर जैसा ना करिए असं तुम दसागे जैसा तेन कही वा। इंशाल्लाह फैसलाबाद तरीक का सामना वाला जैसा होएगा साढ़े खान साहब इंशाल्लाह फिर बहार होवेंगे। कोई कह लाहौर होया, इस्लामाबाद होया, पेशावर होया, इंशाल्लाह जैसा करेंगे। फैसलाबाद खान साहब का फैसलाबाद आ, आवाम खान साहब की असं खान साहब के नाल खड़े हाँ। आ चोरों डाकुआ इन्हों असं दसागे इंशाल्लाह। खान साहब इंशाल्लाह अज भी मुल्क के वजीरे आजम आ, मुल्क के एक बादशाह वजीर आ। इंशाल्लाह ना चुकेगा ना बिकेगा। हम इंशाल्लाह गुलामी नहीं करेंगे, हम गुलाम नहीं हैं। हम ना गुलाम करेंगे ना गुलामी करने देंगे। इंशाल्लाह हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। राणा सलाउल्ला ने यह धमकी लाई है और कहता वा इमरान खान भी बंदे भी इस्लामाबाद नहीं नजा सकता। तो राणा सलाउल्ला इमरान खान ने 20 लाख के है, 20 लाख ने इंशाल्लाह 25 लाख आवाम होएगी उत्थे। असी राणा सलाउल्ला डाकुआ दसांगे 20 लाख आवाम नहीं 25 लाख आवाम है उत्थे। इंशाल्लाह साडे मुल्क दा वजीर आलम इमरान खान जो सानू कार देगा अज दवे कल दवे इंशाल्लाह भी अपने खान साहब ना इस्लामाबाद भी जावांगे। इंशाल्लाह इस्लामाबाद जा इंसाफ का फैसला लवेंगे, इलेक्शन करावांगे इंशाल्लाह। ना चोरों डाकुआ के खिलाफ असं खड़ोते हैं इंशाल्लाह। जिथे सन खान साहब कहेंगे असं दिन रात अपने खान साहब के नाल। माशाल्लाह बड़ी गल है जी, इधर आओ जी। अच्छा भाई ने तुम ये दसो कि राणे सनाउल्ला ने धमकी कि लाई आ, तुम बारे की कहना चाहते जी? जी सब तो पहले मैं शुक्रिया अदा करना ताडा जी, तुसी सानू बोलन दा मौका दिता। दूसरी गल है जी, राणा सनाउल्ला दी औकात ये आ खुद दी कि जिन्ने दिन आ पी टी आई दी हुकूमत रही आ उह सानू भी बंदे कहिंदा दो बंदे नहीं उहनां खलोते सीगे। दो बंदे सिंगल नहीं उहदे नाल खड़े सी कोई भी। तो हुण जिहड़े आ उही पटवारी जिहड़े मतलब प्रस्त टोला जिहड़ा इहनां दा करप्ट टोला वा जिहनां नूं दो नंबरियां रास आईयां होईयां वा, उह जदों इह वज़ीरे दाखला बणिया ते आ के नाल खलो गए आ। उहनां नूं कहो आओ करो जनून दा मुकाबला, असी आए हैं वो हल्के चो असी उन्होंने मार दी है। असी उस हल्के चो मीवारस जिताया इमरान खान के खिलाड़ी ते असी ये गल करते हैं कि राणा सनाउल्ला की औकात ही कोई नहीं हैगी। वो मुछा रख के की कहता भी साढ़े को ही पता नहीं मुछा है, असी मुछा वाले बैठे इधर मुछ जे मुछ होगी तो मुछ बंद गल भी होनी चाहिए आ। इतना करप्ट तरीन तेरा लीडर आ जिन्हों तू मन डिया वा, वो भगोड़ा बहुत डर के बैठा साडे लीडर नूं तू धमकियां लाउंदा इत्थे बैठा वा, इत्थे तैनूं फेस करन डिया आ तू, इत्थे गलियां महल्लिया च आ तू, क्यों डरदे हुण इलैक्शन करवाउण तों? आओ यकीन करो साडे नाल, असीं अज इक मोटरसाइकिल लै के मैं निकलिया, मेरे नाल बेतहाशा लोग राज रले आ, असीं आ सारे जिहड़े इधर ले आ सारे मेरे नाल आए ने।
इस करके अभी दसना चाहते हैं कि यह जनून के नाल टक्कर नून की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तुम इतने ला लो अंदाजा कि इस टाइम दो वोट ने, एक इमरान खान का एक एंटी इमरान खान का। असी तो पार्टी कोई नहीं रहन दी सवाए पी टी आई तो। अच्छा भाई ने दसो कि जलसा 15 तरीक न, अज 13 तरीक आ, ये दसो कि जिन्हें भी जलसे हुए आ उन्होंने नालों रिकॉर्ड टुटेगा या नहीं टुटेगा? सर असी तो यह कहें भी यह ग्राउंड जो भरना ये एक बन्ने ना 8 बाजार ये लागे छागे जिन्या छत्तां वा वो दसनगी आवाम कि असी खान के नाल हाँ, तुन के भरिया होनगियां छत्तां, साढ़े इतने किन्ने घर है, उन्होंने साड़िया दावतां कीतियां वा, उन्होंने बारबीक्यू पार्टी रखी हुई आ कि छत्तां दे उत्ते असी बारबीक्यू पार्टी भी कर रहे हैं। सारे जने जना खान के दीवाने ही ने, कहें भाई सानू कहीं देखना दीदार करना अपने लीडर का लाइव। क्या बात है जी, इधर आओ भाई, तुम इधर आओ भाई। उन्होंने बड़े बेसबरी के नाल खलोते आ, इन्हां दे नाल गलबात करदे आ कि इन्हां दे जज्बात की आ इमरान खान के बारे, तराने सनावला के बारे, इंपोर्टेड हुकूमत के बारे की कहना चाहते आ, कि सारिया गलों को पुछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा भाई ने जी राणे सनावला ने धमकी दी है वो कि सानू भी दसो, मैनू नहीं पता यार। ये कोई धमकियां होंगे ने, भी बंदे कहना पूरे नहीं होने चाहते उन्होंने कि अखा खोल भैन चो, नहीं तो एनक 5 नंबर लवा के दवा 10 नंबर अदे आ गए। ये अजय खां ये इस्लामाबाद बैठा इन्नी वाम इतने तुम्हें नजर आ ही रहा, अद्धा ग्राउंड तो भरया पे तो अजय परसों जलसा। ठीक है राणा साहब अखा खोलो जरा, जे एनक कहें एनक भेज दें तुम्हें, तो तुम अपनी टीम सारी लंदन भेजी जा रहे हो, अजय तो खान साहब आए नहीं, आन गए तो फिर तो लगता लंदन तो भी अगे निकल जाओगे तुम, अजय तो खान साहब आए नहीं इस्लामाबाद तो नहीं तुरे। अच्छा भाई ने दसो कि जो शेख रशीद के भतीजे से परचा होया वा, कहिंदे आ कि सारी रैली मक्के मदीने दे विच उह लै के गए आ, सारा मशवरे दे नाल उत्थे काम होया वा जो शबाज शरीफ के खिलाफ होया वा, उहदे बारे की कहना चाहोगे, उहदे नाल जायज़ आ जां नजायज़ होया? ओ भाई जी इन्ना इंतकामी कारवाइयां सारी उम्र कीतियां, ये हुण मैं कहना कि राणा कल्ला निकल जाए गाड़ तो बगैर कितने भी, इस तो वध नारे ना इहनूं मिलण फिर गल करिओ, ये अपने हल्के चल जाए कितने चल जाए, इस तो वध नारे मिलणगे इन्हां नूं। नूर आलम देख लो वो अपने हल्के जी नहीं जा रहा, राजे रियाज का वेलो, और खान साहब ने कहा लोटिया दी बच्चे दी शादियां नहीं होनगियां, वो बड़े फखर ना कह रहा, कल इंटरव्यू दे रहा परसों कहता खान साहब तुम कह लोटे के बच्चे दी शादियां नहीं होनिया, आ वेखो मेरे बच्चे की शादी है, कैसा रा जमीर फरोश है, कैसा उन्होंने पता ही नहीं मैं लोटा बन रहा। बड़ी दलालत कड़ी ईद घर पड़ी इन्होंने, अपना जुलम के खिलाफ बुराई के खिलाफ अगर जो आवाज बुलंद नहीं करता है वह मुसलमान वैसे ही नहीं है, तो सीधी साफ गल है इन्होंने की अल्लाह ताला ने इन्हें चेहरा दिखाना सी दिखाता बस। अच्छा जड़ा शेख रशीद के भतीजे से परचा होया वो बारे की कहना चाहोगे? परचा हूँ और रास्ते लग रहे हैं किस तरह इन्हों माइंडली अपना डिस्टर्ब करके इन्हों अपने रस्ते तो डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए, लेकिन इन्हें कामयाब नहीं होना जो मर्जी कर लैन मैं खड़ा हूँ। अच्छा भाई ने दसो कि जलसा 15 तरीक न सारे जलसों के नालों रिकॉर्ड तोड़ेगा जब तुहाडा ज़ेहन की आंदा वा कि यार इत्थे दुनिया नॉर्मल ही आएगी? सब तो पहले राणा सनावला साहब उन्होंने मैं वड्डे ने, वैसे ही मैं साड़ी पी टी आई की तरबियत नहीं हैगी कि उन्होंने साढ़े वड्डे तो है, उन्होंने असं बद खिलाकी ना ना बुलाइए, वैसे जो फेमस है फैसलाबाद सारे पता वा, तो उन्होंने सिर्फ दसन वास्ते अच्छे वहां पहले आना शुरू हो गई स्टार्ट रश पैना शुरू हो गया वा कि भी बंदे जो उन्होंने कहा कि ना उन्होंने मुँह तमाचा वा, तो अगर होर कोई गल नहीं हैगी, उन्हें कहा भी मैं चाहवा ना 10 बंदे नहीं निकल भी साल की है कड़ा दे मुछा वाली कुत्ती है आहो बड़ी औके पापा बड़ी औके चाचा बोलो बोलो डरते हर कोला बोलो चोर है बड़ी औके पापा बड़ी औकी दादी बड़ी औकी नानी बड़ी औकी बच्ची बड़ी औका चाचा बड़ी औकी काकी लोटिए। दूसरी गल यह हैगी नूली गल मैं ये दसना चाह रहा वहाँ इतने कोई बिरयानी के तौर पर नहीं आ रहा, मैं परसनली पढ़िया लिखिया बंदा वा और आर्किटेक्ट है वा नक्शा नवीस है वा, तो मैं कोई चावलों की देव वास्ते इतने नहीं आया, सिर्फ पाकिस्तान के वास्ते आया, इमरान खान वास्ते नहीं आया, सिर्फ पाकिस्तान वास्ते इतने आया बस। चलो वेरी गुड, ठीक हो गया जनाब। अंकल जी तुम कुछ कहना चाहते हो? इतने सामने आओ, इमरान खान के बारे तुम की कहना चाहते जे वह 15 तरीक न माशाला अपने फैसलाबाद आ रहे हैं जिते इस टाइम खड़े जे,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਾ ਵੋ ਸਾਥੀ ਹੂੰ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ CC 94 ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਅਬ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ PTI ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਲਕ ਅਕਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਖਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਖਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਖਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਨਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਲਈ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਈਮਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਅਤੇ ਅਕੀਦਾ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਅਕੀਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਹੈਂ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਰਾਣਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਆ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਹੱਜ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਆ। ਹੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਨ ਬੁਗਤੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਜ਼ੈਨ ਬੁਗਤੀ ਬਕਾਇਦਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਸੇਨ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੈਂ ਸੇਨ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੈਨ ਬੁਗਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਲਾਵਲ ਭੱਟੂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਲੁਕਮਾਨ ਭੱਟ ਆ ਰਜ਼ਵਾਨ ਭੱਟ ਦਾ ਭਾਈ, ਖਵਾਜਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਭਾਈ ਲੁਕਮਾਨ ਭੱਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰੇ ਦਾ। ਅਸਲ ਮੇਨ ਉਹ ਕਰਦਾਰ ਆ ਨਾਰੇ ਲਵਾਉਣ 'ਚ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਰਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਰਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਭਾਈ, ਚੌਰੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਆਬ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਪਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿੱਲ ਆ, ਇਹ ਖਵਾਜੇ ਮੁੰਨੇ ਖਵਾਜੇ ਲਿਆਸ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ, ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਪਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿੱਲ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਬ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਪਾਰਟਨਰ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੈਂ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਿਜਾਓ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਡੈ ਪਏ ਨੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਗੱਲੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਟਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਟਣਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ FBR ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਂ ਅਸਲ ਇਹ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤੇ ਫਾਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 2/3 ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਬਲਦਿਆਤੀ, ਮੈਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਮੁਸਤਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਕੌਮ 'ਚ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਲੂਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਲੂਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ 20 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਲਸੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨੇਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਰੀਖੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 5-7 ਮਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸੀ ਮਿਲੇ ਜੇ ਰੜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਲਸਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, 2 ਪਾਰ ਵੀ ਰੋਡ ਰਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆਹ ਰੋਡ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।